बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम कुरानी वज़ाइफ चैनल के प्यारे नाज़रीन, मेरे बहनों भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में अल्लाह तबारक व तआला के तीन बहुत ही ख़ास नामों का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये आज का मुजर्रब अमल, हमारी एक बहन जो है इस अमल को करती हैं, जब भी उन्हें किसी भी मसले के हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला की फ़ौरी गैर मदद चाहिए होती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला को इन तीन नामों से जो है पुकारती हैं, तो अल्लाह पाक फ़ौरी मदद जो है वो अता करते हैं और उनका मसला हल हो जाता है। तो मेरी बहन और भाइयों, अगर आप भी अपने जहन में कोई मकसद रखते हैं, किसी बहुत बड़ी हाजत को पूरा करना चाहते हैं और आप वज़ाइफ़ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला के इन तीन नामों को पढ़कर अल्लाह पाक की फ़ौरी जो गैबी मदद है वो हासिल कीजिए। यकीन मानिए, आपकी जो भी दिली मुराद होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये ख़ास और मुजर्रब अमल मेरी उन बहनों के लिए बहुत ही ख़ास है जिनको अशद पैसों की ज़रूरत है, जिनको किसी भी काम के लिए जो है पैसे चाहिए लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपनी उस ज़रूरत को पूरा कर सकें, तो ये आज का ये जो मुजर्रब अमल है वो ये कर लें। इंशाअल्लाह ताला वो मायूस नहीं होंगे बल्कि वो कामयाबी देखकर जो है खुश हो जाएंगे। तो आज का ये जो ख़ास मुजर्रब अमल है ये अल्लाह तबारक व तआला के तीन नामों पर मुश्तमिल है। ये आज का मुजर्रब अमल आपने नमाज असर के बाद करना है। असर की नमाज के बाद से लेकर जब तक सूरज ग़ुरूब नहीं हो जाता है, नमाज मगरिब का टाइम करीब नहीं आता है, इन तीन नामों का आपने विर्द करते रहना है। आप ये अमल एक मखसूस जगह पर बैठकर, जाय नमाज पर बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आप चलते फिरते करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अल्लाह पाक के तीन ख़ास मुजर्रब नाम या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, 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 इन तीन नामों को आपने इनका विर्द करना है कम अज़ कम 1000 दफ़ा। 1000 टाइम्स आपने इन तीन नामों का विर्द करना है। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसका तसव्वुर अपने जहन में रखें और अल्लाह पाक को इन तीन नामों से पुकारें। यकीन मानिए, अल्लाह तबरक व तआला को अगर आप तीन नामों से पुकारते हैं तो फ़ौरी आपकी मदद हो जाएगी। अल्लाह पाक फ़ौरी आप पर ख़ास करम अता करेंगे और आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। बस आपने करना ये है कि जब आपने इन तीन नामों का विर्द करना है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, तो जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका मकसद है, वो आपके जहन में होना चाहिए और अल्लाह पाक पर कामल यकीन होना चाहिए और आपकी ये जो है दिल में ये हो कि आपकी दुआ, आपकी हाजत जो है वो ज़रूर कबूल होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि जो भी आपका मसला होगा वो हल हो जाएगा और फ़ौरी अल्लाह पाक जो है आपकी खाली झोली को भर देंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये अमल आपने तब तक करना है जब तक कि आपको कामयाबी नहीं मिल जाती है। जब भी आपको अशद किसी भी काम के लिए जो है आपको फ़ौरी अल्लाह पाक की मदद चाहिए तो ये अमल कर लें। यकीन मानिए, आपकी दुआ रद्द नहीं जाएगी बल्कि फ़ौरी पूरी हो जाएगी। ये आज का अमल आप ख़ुद भी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकअल्लाह।